हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पी ब्लॉक में ऑक्जो एसिड के बारे में। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये मानना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पी ब्लॉक एक रटने वाला चैप्टर है, जबकि ये एक मिथ है, ये एक अफवाह है। और वो कैसे, वो आप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू फील कर सकते हो। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं आपको ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से ऑक्जो एसिड की नेमिंग, फार्मूला और स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने होगा एक खुली किताब की तरह। इसलिए इससे आने वाले प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली कर लेंगे और बहुत फास्ट भी कर लेंगे। तो वो कैसे, वो इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ऑक्जो एसिड। आप कैसे पहचानोगे कि ये ऑक्जो एसिड है? तो वेरी सिंपल, उसके मॉलिकुलर फार्मूला में आप देख लो क्या ऑक्सीजन है, क्या हाइड्रोजन है। ये दोनों मस्ट हैं, ये दोनों हैं। इसके अलावा अगर फास्फोरस है तो वो फास्फोरस का ऑक्जो एसिड हो जाएगा, जिसको आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर सपोज करो सल्फर है तो वो सल्फर का ऑक्जो एसिड हो जाएगा। क्लोरीन है तो क्लोरीन के, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के, आयोडीन है तो आयोडीन के। राइट, वेरी सिंपल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इनमें से कोई एलिमेंट हो। क्या सर यही पाँच एलिमेंट होने चाहिए? नहीं, 99% जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो इन्हीं पांच एलिमेंट पे बेस मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा फास्फोरस के ग्रुप का ही नाइट्रोजन हो सकता है, राइट, या कार्बन हो सकता है, ये सब के भी ऑक्जो एसिड हो सकते हैं, बट 99% हमें ये मिलने वाले हैं। फास्फोरस 15 ग्रुप का हो गया, सल्फर 16 ग्रुप का और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17 ग्रुप के, इसके ऑक्जो एसिड पे बेस क्वेश्चन मिलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फास्फोरस के ऑक्जो एसिड के बारे में, तो उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है? वेरी सिंपल कि फास्फोरस के लास्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, ये सभी को मालूम है। फास्फोरस के लास्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड। फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? +5, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकता है। सिमिलरली फास्फोरस के जितने भी ऑक्जो एसिड हैं, उसमें फास्फोरस पांच बॉन्ड बनाएगा ही, उसके पांच बॉन्ड आपको बनाना ही है। क्लियर है पॉइंट? तो ध्यान से देखो, ये पांच 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 इसलिए लिखा क्योंकि पी से फास्फोरस, पी से पांच, समझ के बात, पी से फास्फोरस, पी से पांच, डेट मीन्स पांच इलेक्ट्रॉन है तो पांच मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और जितना भी इसका ऑक्जो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें ये पांच बॉन्ड बनाएगा ही, क्योंकि ये मस्ट है, फिक्स है। उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फास्फोरस का कोई भी ऑक्जो एसिड आप बनाएंगे, भगवान ने इसको वरदान में ये दो चीज़ें फिक्स करके दी हैं। फास्फोरस का किसी भी ऑक्जो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें एक पी डबल बॉन्ड हो और एक पीओएच आपको पहले से ड्रॉ कर देना है, ये चीज़ें फिक्स हैं, ये होगा ही। उसके बाद चूँकि फास्फोरस पांच बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे तीन बॉन्ड इसके बन चुके हैं, अब दो ही बॉन्ड बचा, तो वो दो बॉन्ड आइदर H हो सकता है या OH हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फार्मूला, फार्मूला में क्या है। अगर ऑक्सीजन स्टिल फार्मूला में बचा हुआ है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो आई होप ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्कीम है नेमिंग का, वो कैसा है कि जो भी एलिमेंट होगा, दैट इज फास्फोरस, अभी जो हम डिस्कस करेंगे, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो भी एलिमेंट होंगे उसके नाम के पीछे आपको अस या इक लगाना है। जैसे यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या होगा? फास्फोरस, तो फास्फोर वर्ड आपको उसका लेना है, फास्फोर वर्ड, ओके। और उसके नाम के पीछे सफिक्स में आइदर अस लगेगा तो फास्फोरस हो जाएगा, इक लगेगा तो फॉस्फोर इक हो जाएगा, ये इतना फिक्स है, राइट। फॉस्फोर वर्ड यूज करना है, अस लगेगा या इक लगेगा, वो कब लगेगा मैं बात करता हूँ, और एसिड नाम में पीछे लगा देना है। नाम के पहले प्रीफिक्स में क्या क्या वर्ड यूज हो सकते हैं? पायरो, क्या यूज हो सकता है? पायरो, पर ऑक्जो, हाइपो, मेटा एंड ऑर्थो, ये पांच नेम फॉस्फोरस के ऑक्जो एसिड में यूज हो सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो फास्फोरस के ऑक्जो एसिड के खानदान वालों के नाम क्या क्या हैं? पायरो, परऑक्जो, हाइपो, मेटा एंड ऑर्थो, तो ये पांच यूज होंगे एज ए प्रीफिक्स, सफिक्स में आइदर अस या इक होगा। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की, जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। तो वेरी सिंपल है, ध्यान से देखो, इक वर्ड आपको कब लगाना है?
जब आपका एलिमेंट, और यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, फास्फोरस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो उसके नाम के पीछे आपको क्या लगा देना है, इक। जैसे यहाँ पे अगर फास्फोरस के ऑक्जो एसिड के बारे में बात करें तो फास्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव हो सकता है, तो प्लस फाइव वाले में हमको क्या लगाना है, इक। जैसे H3PO4 इसमें फाइव है तो इसमें इक वर्ड लगेगा, फॉस्फोरिक। ओके, और अगर इसी का एनायन अगर बना लिए, डैट मीन्स एनायन में अगर वो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इक की जगह क्या लगेगा, एट। जैसे फॉस्फेट, और ये सभी के लिए अप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉस्फोरस, कोई भी ऑक्जो एसिड हो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इक, और अगर हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का एनायन है तो एट वर्ड जोड़ेंगे। जैसे फॉस्फोरिक फॉस्फेट, सल्फ्यूरिक सल्फेट, नाइट्रिक नाइट्रेट। समझ गए। वैसे ही अस कब लगाएंगे, अस आप तब लगाएंगे जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से दो यूनिट कम हो, तो पाँच में से दो गया तो कितना हो गया, तीन। अगर फास्फोरस अपने प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आपको अस लगा देना है, और अगर उसी का एनायन है, एनायन में अगर वो प्लस थ्री में है तो आइट वट लगाना है। जैसे फॉस्फाइट सल्फाइट नाइट्राइट, तो कहीं पे आइट लगा है मतलब वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से दो यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए, एक का एट अस का आइट, एक कब लगाना हाईएस्ट में, अस कब लगाना उससे दो कम में। क्लियर है फास्फोरस के लिए। ओके, नाउ द मैन ट्रिक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिससे आप किसी भी ऑक्जो एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर एंड नेम ईजिली याद रख सकते हो, वो देखो यहाँ से। आपको क्या करना, वेरी सिंपल, आपको ऑलवेज इक या अस वाला पिकअप करना है। और अगर फास्फोरस के ऑक्जो एसिड की बात करूं तो फिक्स है, आपको इक अगर वर्ड लगा हुआ मिल गया तो आपको ये वाला पिकअप करना है, H3PO4 एज ए बेस पॉइंट। अगर अस लगा हुआ मिल गया नेम में तो आपको H3PO3 ये पिकअप करना है, यही दोनों फिक्स है, इसके अलावा और कोई नहीं। या तो इसको पिकअप करना है कब करेंगे, जब इक लगा होगा, इसको पिकअप करना है कब करेंगे, जब अस लगा होगा। ओके, समझ गए। इन दोनों में से जो भी होगा, अगर इसका दो मॉलिक्यूल आपने ले लिया और एक वाटर हटा दिया, ये मॉलिक्यूल फार्मूला ले लो, अगर एक होगा तो आस होगा तो ये ले लो, तो उनके दो मॉलिक्यूल मतलब टू से मल्टीप्लाई कर दो और एक वाटर हटा दो, तो जो मिलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका नाम क्या हो जाएगा, प्यार से उसका नाम रख देंगे पायरो, प्यार से पायरो। अब अगर इसमें इस पायरो में एक ऑक्सीजन अपने जोड़ दिया तो प्रतिष्ठा में उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, पर ऑक्सो। प्रतिष्ठा में उसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, पर ऑक्सो। अगर पायरो में से ही एक ऑक्सीजन हमने कम कर दिया, ध्यान दे सिर्फ एक ऑक्सीजन कम कर दिया, तो फिर हक से उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, हाइपो। बात समझ में आ गई। अगर सपोज करो आपने दो मॉलिक्यूल लेकर के वाटर नहीं निकाला, डायरेक्टली वाटर निकाल दिया, एक ही मॉलिक्यूल था एक यास वाला, एक ही मॉलिक्यूल लिया और उससे डायरेक्टली वाटर हटा दिया, तो मोहब्बत में उसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, मेटा। समझ गए। अब अगर सपोज करो कि मेटा में अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में अभी भी हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, तो फिर ये जो अस या इक वाला लिया था इसके नाम के आगे इज्जत से लगा देना है ऑर्थो। समझ गए बात, इज्जत से लगा देना ऑर्थो। एक और पॉइंट है कि इक या अस वाले में डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन जोड़ दिए सर, तो जरूरी नहीं है कि आप पायरो में ऑक्सीजन जोड़ो या पायरो से ऑक्सीजन कम करो, 99% तो हम यहीं से थिंक करता हूँ यहीं से करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं इक वाले में ऑक्सीजन जोड़ दूँ या अस वाले में ऑक्सीजन जोड़ दूँ, तो जोड़ा है तो प्रतिष्ठा में वही पर ऑक्सो ही चलेगा, और अगर मैं इक या अस वाले से एक ऑक्सीजन कम कर दूँ तो कम किया है तो हक से हाइपो वर्ड ही जोड़ना है। बात समझ में आ गई। तो ये स्कीम आपको एकदम, और ये फंडा ये ट्रिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन ऑफ ट्रिक की। तो हमने आपको बोला था कि आपको एक H3PO4 वाला उठाना है तो उसका मैं बता रहा हूँ, और एक H3PO3 वाला उठाना है तो उसका मैं बताऊँगा। तो H3PO4 अगर हमने पिकअप किया तो इसमें यूनो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा प्लस फाइव, तो इसलिए नाम क्या लग जाएगा, ध्यान से देखो, फॉस्फोर वर्ड ये तो चलेगा ही, नाम के पीछे एक फॉस्फोरिक एसिड ये नाम आ जाएगा, राइट। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी, आपको बता रखा हूँ, भगवान ने वरदान में इसको दे रखा है, पी डबल बॉन्डो और OH फिक्स। आप ध्यान से देखो, फॉस्फोरस आपने यूज कर लिया
दो ऑक्सीजन भी आपने यूज कर लिया, एक हाइड्रोजन यूज कर लिया, तो अब बचा क्या, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन अगर बचा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही अटैच होंगे, तो इसलिए दो OH आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, फॉस्फोरिक एसिड का, जिसकी बेसिसिटी अगर पूछा जाए तो ये 3H आपको दे सकता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी, राइट। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो sp3 हो जाएगा, 4σ0 लोन पेयर से, राइट। शेप पूछा जाए तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये सब आपको क्लियर है, देखो आपकी आंखों के सामने। अब मैंने आपको क्या बोला कि इसका दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटा दीजिए, तो चुपके चुपके देखो, दो मॉलिक्यूल हमने यहाँ बना दिया, दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटा दो, एक से OH और एक से H मैंने ले लिया, एक वाटर मैंने क्या किया, हटा दिया। दो मॉलिक्यूल लेकर के अगर एक वाटर हटा देंगे तो प्यार से इसके नेम के आगे क्या लगाएंगे, पायरो। तो देखो नाम क्या हो जाएगा, पायरो, बाकी पूरा यही चलेगा, फॉस्फोरिक एसिड। क्या इसका फॉर्मूला आपके सामने है, आंखों के सामने, यस। H4 है, P2 है, O7 है, फॉर्मूला सामने है, स्ट्रक्चर सामने है, नेम सामने है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो क्या हम कर लेंगे, यस डेफिनेटली, क्यों, क्या पूछा जा सकता है, आप देख करके बताओगे एक खुली किताब की तरह। कैसे, ध्यान से देखो, इसमें 4H हैं तो इसकी बेसिसिटी 4 हो जाएगी। कितने POP लिंकेज हैं, तो 1। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो 4σ0 लोन पेयर से, अगेन sp3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी बहुत ईजी है, फॉस्फोरस जितना ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा उसकी वजह से फॉस्फोरस पे प्लस आप लेके आ जाओ। यहाँ पे इस फॉस्फोरस का निकालना है, तो ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से, तो +5। यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +5। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप बता सकते हो। सिमिलरली हमने आपको क्या बोला कि अगर आप पायरो से एक ऑक्सीजन कम कर दो, तो कम कर दो तो चूंकि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा ही, तो आप निकालोगे किसको, यही बीच वाले ऑक्सीजन को, तो इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, पीपी लिंकेज आ जाएगा, राइट। तो देखो आपकी आंखों के सामने स्ट्रक्चर है, नेम है, फॉर्मूला है, तो नाम क्या हो जाएगा, हाइपो लगा देंगे, हक से हाइपो, और ये नाम चलता रहेगा फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि पिकअप पॉइंट यही था, तो ये चलता रहेगा, बस उसके नाम के पहले यहाँ पायरो लगा, यहाँ हाइपो, क्यों, ऑक्सीजन कम किया। अगेन इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, कितने पीपी लिंकेज हैं, या 4 ऑप्शन दे दिया, विच कंटेन पीपी लिंकेज, पीओपी लिंकेज, क्या हमारे लिए इजी है, यस डेफिनेटली इजी है। अगेन बेसिसिटी 4 है, क्योंकि 4 POH बॉन्ड है। अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4 फॉस्फोरस 4 ही ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रखा है, ये तो पीपी है, तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ध्यान देना है। सिमिलरली अगर पायरो में एक ऑक्सीजन जोड़ देते तो क्या होता, तो ऑक्सीजन जोड़ता कहाँ, वो भी क्लियर है, क्योंकि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, ऑलरेडी बना चुका है, तो बीच में आएंगे, तो देखो ऑक्सीजन को मैंने बीच में और ऑक्सीजन, तो ये पर ऑक्सी लिंकेज हो गया, इसी को बोलते हैं पर ऑक्सी। जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको पर ऑक्सी लिंकेज बोलेंगे, राइट। जैसे H2O2 पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, राइट। देखो नेम आपके सामने, फॉर्मूला आपके सामने, स्ट्रक्चर आपके सामने, H4P2O8, तो ये हो जाएगा परऑक्सो। फिर अगेन इसमें बेसिसिटी पूछा जाए तो अभी भी 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 फॉस्फोरस और ऑक्सीजन बॉन्ड को काउंट कर लो, जितना होगा उतना ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में आपको कर देना है। ये तो आपने दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटाया, वहाँ से आया। दूसरा जो तरीका है कि मैं इससे डायरेक्ट एक वाटर हटा रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट एक वाटर हटा रहा हूँ, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, HPO3। नाम क्या हो जाएगा, मोहब्बत में इसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, मेटा, तो क्या हो जाएगा, मेटा, और ये वर्ड चलता रहेगा, तो फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो अगेन आपको बता रखा हूँ कि फॉस्फोरस के किसी भी ऑक्सो एसिड में एक पी डबल बॉन्ड और एक OH होगा ही, तो आप ध्यान से देखो, H हमने यूज कर लिया, दो ऑक्सीजन यूज हो गया, अब बचा एक ही ऑक्सीजन, चूंकि ये जो ऑक्सीजन है वो दोनों तरफ किसी और से जुड़ोगे तो हाफ और हाफ काउंट होगा, तो आप देख सकते हो यही फॉर्मूला है उसका। ये मत कर देना कि सर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, ये दो ऑक्सीजन हाफ हाफ काउंट होंगे तो एक ही होगा, क्यों, क्योंकि वो किसी और से भी शेयर्ड हैं, राइट।
इसको बोलेंगे, चूंकि ये एक चैन बना लेंगे, एक पॉलीमर बना लेंगे, तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसके एन मॉलिक्यूल ले लोगे 2, 3, 4, तो एक चैन बनती जाएगी, तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। इसी का एक और होता है कि अगर मैं इसके 3 मॉलिक्यूल ले लूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3P3O9। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो अगेन रफी सर का वही पॉइंट कि भाई जितने भी ऑक्सो एसिड होंगे सब में पी डबल बॉन्ड हो और OH हो गई, तो 3 फॉस्फोरस था, पी डबल बॉन्ड OH, पी डबल बॉन्ड OH, पी डबल बॉन्ड OH। ऐसा करने से आपने 3 हाइड्रोजन यूज कर लिया, तो ये यूज हो गया फॉस्फोरस, 3 यूज हो गया, ऑक्सीजन 6 यूज हो गए, 3 बचे हैं। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, तो एक इधर से POP कर दो और एक इधर से POP कर दो, एक इधर से POP कर दो। तो ध्यान से देखो, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए नाम क्या होगा, साइक्लो ट्राई, क्यों, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है, ट्राई मेटा, क्यों, क्योंकि मेटा से लेके आया है, और फॉस्फोरिक, क्यों, क्योंकि इससे बनाया है, तो साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अगेन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कितने POP लिंकेज हैं ये पूछा जाएगा, इसकी बेसिसिटी कितनी है तो 3 हो जाएंगे, कितने पी डबल बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा हैं, कितने पाई हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस टाइप का कुछ ही पूछ ले, क्योंकि स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो अगेन 1, 2, 3, 4, 5, तो सब में 5 है, तो फॉस्फोरिक के जितने भी ऑक्सो एसिड है सब में 5 हैं, एक्सेप्ट हाइपो में 4 है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आसिया एक के एक ही मॉलिक्यूल लिया, उससे वाटर हटाया, हाइड्रोजन अगर बच रहा है तो इस एसिड के नाम के आगे इज्जत से ऑर्थो लगाना है, और इसमें तो आपको मालूम ही है मोहब्बत में मेटा जोड़ना है। तो आई होप ये पूरा आपको वेरी वेरी क्लियर होगा। नाउ फॉस्फोरस में एप्लीकेशन में जाने से पहले दो ज्ञान की बात, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितना भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड होगा उसमें मस्ट वर्ड हमने लिखा है, ध्यान से देखो मस्ट, उसमें जरूर और जरूर या तो एक PP बॉन्ड होगा या PH बॉन्ड होगा ही। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको चेक कर लेना कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से कम है, मैक्सिमम से कम होना चाहिए, 5 से कम डेट मीन्स 4, 3, 2 एटसेट्रा 1। तो इन सब केस में जितना भी ऑक्सो एसिड होगा उसमें या तो PP बॉन्ड होगा ही या PH बॉन्ड होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। तो ध्यान दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर कहने मतलब क्या है, +4 है, +3 है, 2 है, 1 है, अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से कम है तो उसके ऑक्सो एसिड में या तो PP बॉन्ड होगा या PH बॉन्ड होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा एट ए टाइम, समझ गए। दूसरा पॉइंट अगेन वही कि अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो फिर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, डैट मीन्स सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होंगे और रिड्यूस भी होंगे। अगेन ये कब होगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट से कम होगा, डैट मीन्स 5 से कम। तो इसलिए ट्रिक का पॉइंट क्या है कि अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो X है और X की वैल्यू या तो 4 है या 4 से कम है, तो इस केस में फॉस्फोरस एक बार +5 में चला जाएगा और एक बार -3 में, बट डैट मीन्स एक बार किस में चला गया, ये हाईएस्ट में, और एक बार किस में चला गया, ये लोएस्ट में। वेरी सिंपल है, याद रखना फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड होंगे अगर फॉस्फोरस उसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है तो फिर वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा, एक बार वो हाईएस्ट में जाएगा और एक बार लोएस्ट में। फॉर एग्जांपल H3PO3, तो यहाँ पे ये +3 में, तो एक बार ये +5 में चला गया H3PO4 और एक बार ये -3 लोएस्ट में चला गया, राइट। ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं, हम बैलेंस कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है, प्रोडक्ट क्या मिलेंगे वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों ही ज्ञान की बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज अभी मैं एप्लीकेशन में करने वाला भी हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं H3PO3 के बारे में। तो यू नो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 है, राइट, तो 5 से 2 कम हो गया, इसलिए कौन सा वर्ड लग जाएगा, अस, तो फॉस्फोर के पीछे लगा देना अस, तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी, सेम वाई पॉइंट, एक पी डबल बॉन्ड और एक OH फिक्स, देखो इसलिए मैंने सर्कल किया है। अब आपने एक फॉस्फोरस और 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन यूज कर लिया, तो अब बचा क्या, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और 1 हाइड्रोजन बचेगा। इस केस में एक PH बॉन्ड है, तो अगेन 4 ऑप्शन देकर के पूछ सकता है विच कंटेन PH बॉन्ड, तो ये फॉस्फोरस वाला एसिड कंटेन करता है। नाउ इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर के अगर एक वाटर हटा दूं
तो दो मॉलिक्यूल चुपके चुपके बना दिया, एक वाटर मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, तो क्या मिल जाएगा बताओ? प्यार से इसके नाम के आगे क्या लगा देंगे? पायरो। और क्या चलेगा? फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि हमने बेस पॉइंट इसको ले रखा है। फॉर्मूला आपके सामने, स्ट्रक्चर आपके सामने, एवरीथिंग आपके सामने। यहाँ पे अगेन क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कितने पीएच बॉन्ड है? तो दो पीएच बॉन्ड है। बेसिसिटी कितनी है? तो दो, क्योंकि दो ही हाइड्रोजन आपको एच प्लस के फॉर्म में मिल सकता है। पीओपी लिंकेज कितना है ये पूछा जा सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकता है, ध्यान से देखो। तो आपको बताया था ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, तो इसके वजह से चार प्लस, हाइड्रोजन की वजह से एक माइनस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी इसका प्लस थ्री है। ये जो पीएच बॉन्ड हैं, पीएच बॉन्ड यहाँ भी हैं, पीएच बॉन्ड यहाँ भी हैं, जहाँ भी पीएच बॉन्ड होगा तो उसकी वजह से वो ऑक्जो एसिड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसलिए अगर इसकी रिएक्शन आप AgNO3 सॉल्यूशन से कराओगे तो आपको सिल्वर मिल जाएगा। कहीं पर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि विच कैन गिव Ag ऑन रिएक्शन विथ AgNO3 सॉल्यूशन, तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा ऑक्जो एसिड है फॉस्फोरस का जिसमें डायरेक्ट फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, तो ये भी आपको दे सकता है, ये वाले भी दे सकते हैं। नाउ अगर पायरो में एक ऑक्सीजन कम कर देते तो एज यूजुअल आप क्या नाम लिखते हैं? हाइपोफॉस्फोरस, राइट, जो आपको ट्रिक बताया। लेकिन ध्यान दें, ये वाला हम नहीं बनाएंगे, जब भी हाइपोफॉस्फोरस बोलेगा तो ये वाला नहीं बनाएंगे। क्यों सर? तो सर ने आपको ज्ञान की बात में एक पॉइंट बताया है कि इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो पीपी लिंकेज भी है और पीएच बॉन्ड भी है। हमने बोला है कि कोई भी ऐसा ऑक्सो एसिड नहीं बनाना जिसमें दोनों एक साथ आ जाए, कोई एक ही एट ए टाइम आना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों आ रहा है। इसलिए कभी भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए हाइपोफॉस्फोरस तो आप ये वाला नहीं बनाएंगे। सिमिलरली अगर मैं पायरो में एक ऑक्सीजन जोड़ देता तो क्या हो जाता? पर ऑक्सो फॉस्फोरस, राइट, स्ट्रक्चर सामने आपके, क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट कर देना है। अगेन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको भी जनरली हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो फॉर्मूला हो गया H4P2O6, जो कि एक्चुअल फार्मूला किसका है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का। इसलिए जनरली ये भी आपसे ना पूछा जाता है ना आपको ये ड्रॉ करना है। तो सर अगर हमें हाइपोफॉस्फोरस पूछा गया तो हम बनाएंगे क्या? तो डायरेक्ट एसिड से ही एक ऑक्सीजन कम कर दो, तो फॉस्फोरस से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरिक से एक ऑक्सीजन कम कर दे तो क्या हो जाता? हाइपोफॉस्फोरिक, जो कि ऑलरेडी क्या था? ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। तो इसी का एक और नाम क्या हो सकता है? हाइपोफॉस्फोरिक, क्योंकि फॉस्फोरिक से एक ऑक्सीजन निकालने के बाद, राइट, तो अगर मैं अस से एक ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस। स्ट्रक्चर बनाना इजी है, क्योंकि अगेन पी डबल बॉन्ड और OH फिक्स, आप चूंकि दोनों ऑक्सीजन यूज कर लिया, एक हाइड्रोजन यूज कर लिया, दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ दो दो पीएच बॉन्ड है, तो सबसे अच्छा ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसलिए सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से अगर इसको रिएक्ट कराओगे तो सिल्वर आपको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ऑक्सो एसिड हैं जिसमें अगर पीएच बॉन्ड है तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं उसका मैंने आपको आइडिया दिया है। नाउ एक पॉइंट और ध्यान देना है कि ये जो H3PO2 है इसका एक घर का नाम है, जैसे हम लोग घर में एक प्यार से नाम रखते हैं ना, तो वैसे ही इसका नाम, वैसे तो ये नाम क्या? हाइपोफॉस्फोरस, लेकिन घर में इसको प्यार से क्या बुलाएंगे? फॉस्फीनिक, ध्यान से देखो, फॉस्फीनिक। कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, एक वर्ड बच्चे देख लेते हैं और समझते हैं कि वो एक फॉस्फोरिक वाला है, ध्यान दो फॉस्फीनिक है। हमने क्या बोला था? फॉस्फोर वर्ड आना चाहिए, ये नहीं आया, ये नहीं आया मतलब ये उसका घर का नाम है, तो कुछ भी रख सकते हैं। अब हम याद कैसे रखेंगे? फॉस्फीनिक है और इसका घर का नाम क्या है? फॉस्फोनिक। अगर दोनों का स्पेलिंग देखो तो सिर्फ आई और ओ का डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सेम है। तो कैसे याद रखेंगे? आई, आई मतलब मैं मतलब एक, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होता है? प्लस वन, तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का घर का नाम फॉस्फीनिक होगा, समझ गए? और अल्फ़ाबेट में आई पहले आता है तो इसलिए प्लस वन, इंटीजर में वन आता है पहले, फिर अल्फ़ाबेट में ओ बाद में आता है और इंटीजर में थ्री बाद में आता है, इसलिए थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को क्या बोलेंगे? फॉस्फोनिक। तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए भी रफी सर ने आपको ट्रिक दे दिया है, वन वाले को आई फॉस्फीनिक, थ्री वाले को ओ फॉस्फोनिक, ये घर का नाम है, इसको उससे रिलेट नहीं करना है कि एक वर्ड लगा हुआ है पीछे, क्लियर है पॉइंट?
अगेन अगर मैं डायरेक्ट इससे एक वाटर हटा देता तो नाम क्या हो जाता, मेटाफॉस्फोरस, क्या हो जाता, मेटाफॉस्फोरस एसिड। एक पॉइंट और आप देखिए कि जब हमने इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो यहाँ हाइड्रोजन बच गया, और हाइड्रोजन बच गया तो फिर इसके नेम के आगे इज्जत से क्या लगा देंगे, ऑर्थो, तो इसलिए पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। तो आई होप ये पूरा आपको क्लियर होगा और आपको फील हो गया होगा, जैसा मैंने शुरू में बोला था कि आप मेरे ट्रिक्स को सही से समझ लिए तो आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम इजी लगेगी और उसके किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट और बहुत इजीली कर लेंगे। तो अगर मेरा ये प्रयास, मेरा ये ट्रिक, मेरा ये कंसेप्ट अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता लग जाए कि सच में केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। थैंक यू।